Hey guys, welcome back to my channel. एक बार फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नई रेसिपी लेके। तो आज एक रेसिपी बनाएंगे, बहुत क्विक होगी। वो बनाएंगे हम कॉलीफ्लावर से, फूल गोभी से। तो हम बनाने वाले हैं आज लहसुनी गोभी, राइट? वो क्या होगी, गार्लिक कॉलीफ्लावर बनाएंगे। जैसे मैंने एक बार पहले बनाया था गार्लिक पनीर, वैसे हम आज बनाने वाले हैं गार्लिक कॉलीफ्लावर। तो चलेंगे किचन में, देखेंगे क्या इसके स्टेप्स हैं, क्या इंग्रीडियंट्स हमारे पास। तो गार्लिक कॉलीफ्लावर बनाने के लिए मैंने क्या लिया है, देखिए मेरे पास ऑफकोर्स कॉलीफ्लावर, गोभी, फूल गोभी, ठीक है, और मेरे पास है थोड़े से गार्लिक के क्लोव्स, ठीक है, यह है लहसुन की कलियां कुछ। मेक श्योर आपकी गोभी जो हो थोड़ी सी साफ हो, उसमें ब्राउन शेड्स या ब्लैक शेड्स ना हो, उससे ये मालूम चलता है कि आपकी गोभी थोड़ी सी पुरानी है। तो यूज़ करें फ्रेश गोभी लाइक दिस, ये देखिए, राइट, बिल्कुल फ्रेश गोभी है, मैं लेके आया हूँ इसे, और ये बहुत ही साफ है। तो बस अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए इसका ये जो डंठल है ये हम निकाल लेंगे, राइट, इस तरह से ये सारी निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी डंठल निकाल ली हैं अच्छे से। अब जो इसका तने वाला हिस्सा है ये वाला, मैं इसको भी निकाल दूंगा लाइक दिस, इसको आप काट दीजिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास अब बची है पूरी की पूरी गोभी। तो देखिए अब क्या करना है, या तो आप चाकू की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको इसके जो ये फ्लोरेट्स हैं वो निकाल लीजिए लाइक दिस, ऐसे कर लीजिए। मुझे हाथ से निकालना पसंद है इसलिए मैं इसको हाथ से निकाल लेता हूँ। तो बस मैंने सारे के सारे फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ लगे इसमें कुछ तना बचा रह गया है तो इसे आप ऐसे निकाल सकते हो चाकू की मदद से, राइट, इस तरह से। तो ये देखिए अच्छे से हमने फ्लोरेट्स निकाल लिए हैं, गोभी के फूल अच्छे से हमने हाथ से तोड़ लिए हैं, ये देखिए, बेहतरीन। तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है इसको थोड़े से छोटे पीस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ऐसे पीस रखेंगे जो हम इजीली बाइट कर सकें। ये देखिए इस तरह के पीस मैं कर लेता हूँ, इसको हम ऐसे पीस से काट के ये पीस निकाल लेंगे इसके, ठीक है, ये देखिए। तो ये देखिए गोभी हमारी अच्छे से हमने काट ली है। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे वॉश करना है पहले ठंडे पानी से। तो इसको हम एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। तो बस हम इसे इसमें इस बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, और बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी इसको वॉश करने के लिए। तो बस इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, राइट, इस तरह से, ताकि इसकी जो इसमें एक्सेस डर्ट है, गंदगी है, धूल है, वो निकल जाए। और ये देखिए बढ़िया तरीके से मैं इसे धो लिया है। अब मैं इसे करता हूँ वाटर ड्रेन। तो बस ये देखिए हमने अच्छे से पानी इसका ड्रेन कर लिया है, पानी निकाल लिया है इस गोभी में से। तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे हम गैस पे और रखेंगे एक पैन। तो हमने इस पैन को रख लिया है इस गैस के ऊपर और इसको हमने गैस ऑन कर ली है। इस पानी को हमने करना है बॉइल। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे गोभी की पीसेस को हम लोग इस पानी में डाल देंगे। ये देखिए तो हमने गोभी पानी में डाल ली है, पानी भी गर्म हो चुका है। अब हमें इसे करना है बॉइल ताकि ये हमारी गोभी जो है इसमें थोड़े से पक सके। ध्यान रहे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, थोड़ा सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। तो जब तक ये पानी बॉइल होगा हम चलते हैं और लहसुन छील लेते हैं। तो ये हमारे लहसुन हैं, अब इन्हें छीलने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए इस तरह से आप उठाएं, इस तरह से अगर आप छीलेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। आपने क्या करना है, बीच में से इसे कट देना है ऐसे लाइक दिस, राइट, ऐसे करके आप एक कट दो इनको इस तरह से, ठीक है, और बस साथ में इसका साइड से ये कवर निकाल लो, छिलका निकाल लो, तो आपका लहसुन आराम से छिल जाएगा बिना टाइम लगे हुए, राइट। सो इस तरह से सारे के सारे लहसुन मैं छील लेता हूँ और उसके बाद हमें इसे करना है चॉप। तो बस हमारे लहसुन सारे छिल गए हैं अच्छे से, ये देखिए, सेम टेक्निक आप यूज़ करें टाइम बचाने के लिए। अब क्या करना है, हमें इन्हें रफली चॉप करना है, आप किसी भी तरह से इन्हें चॉप कर सकते हैं लाइक दिस। तो बस लहसुन हमारे सारे के सारे चॉप हो गए हैं, ये देखिए बढ़िया तरीके से। अब चल रहे हैं गैस में, देखते हैं पानी कितना उबला है। ये देखिए पानी बहुत बढ़िया तरीके से उबल रहा है, ये गोभी इसमें उबल रही है, देखिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी गोभी थोड़ी साफ हो जाएगी और गोभी का थोड़ा सा कच्चापन चला जाएगा। तो इसको हम कम से कम 5 मिनट के लिए उबालेंगे इसी
आंच पे इसी फ्लेम पे। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इन गोभी को पकाते पकाते उबलते उबलते। और ये देखिए अब क्या आपको करना है, कैसे आप चेक कर सकते हैं, आपको लेनी है एक टूथपिक, राइट, ऐसे करके एक गोभी को उठाना है। देखिए अगर आपकी टूथपिक में पूरी जा रही है अच्छे से, इसका मतलब ये गुड टाइम टू ऑफ द फ्लेम नाउ। तो गैस ऑफ कर लेंगे और इसका पानी हम लोग अब रिंस कर देंगे, ड्रेन कर देंगे, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा देर रखना नहीं गोभी को, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा गल जाएगी, राइट। सो गुड टाइम टू ड्रेन द वाटर नाउ। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें रखना है एक पैन गैस के ऊपर, गैस ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही पैन गर्म हो हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून घी। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बटर का भी। और जैसे ही घी गर्म हो हमें इसमें डालना है लहसुन और इसको हल्के हाथों से हमें चलाना है। मेक श्योर आपका जो लहसुन है वो ज्यादा ब्राउन ना हो, ज्यादा जले ना। तो बस ये देखिए थोड़ा सा ब्राउन कलर आने लगा है लहसुन में, ज्यादा नहीं जलाना है। तो इस स्टेज पे हम लोग डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें किचन किंग मसाला जस्ट फॉर द टेस्ट, एंड दैट्स इट। इसको आप मिला लो अच्छे से। बस अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम गोभी जो हमने बॉइल करके रखी है, और इसको अच्छे से आप इसमें मिला लो, कोट कर लो सारा मसाला इसके ऊपर। और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, इस तरह से नमक डाल लीजिए। थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, और बस इसे अच्छे से आप मिलाओ। और बस अच्छे से हमने मिला लिया है, 2-3 मिनट हमने इसे हल्की आंच पे रख के पका भी लिया है, बहुत बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो ऑलमोस्ट फिनिश है ये रेसिपी यहाँ पे। तो अब मैं इसको करता हूँ प्लेट और आपसे मिलता हूँ। और बस अब फाइनली इसको हम लोग प्लेट कर लेते हैं। बेहतरीन, बहुत शानदार रेसिपी है, बहुत क्विक है, तो उसे ज़रूर ट्राई करें और बना के मुझे बताएं क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इस रेसिपी से। और इसको हम सर्व करेंगे थोड़ी सी चटनी के साथ। वाह, ये देखिए सॉस चटनी, आप कुछ भी ले सकते हैं, बेहतरीन। तो बस यही आज की रेसिपी थी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन। ट्राई जरूर करें, मुझे बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड जी मी अगेन, प्लीज कीप अप एंड बी हेल्दी।